कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। ज्ञान आवन आए सृष्टि में बिन बूझे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जांकै भाग मथोर। यह बचन गौड़ी राग विचों श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ने जां सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी तीसरे सतगुरु इस तरह फरमान करदे ने। ज्ञान अपार श्रृंगार है सुभावंती नार। जां फिर भगत रविदास जी इस तरह समझाउंदे ने, फल कारण फूली बन राए फल लागा तब फूल बिलाए, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास ज्ञान पया तब कर्म में है नास। सिमरण की तीसरी अवस्था विच जिक्र कर रहे सां, ओ वाला ज्ञान असली अर्थां विच पैदा होना शुरू हो जांदा है। मैं इस अवस्था विच अनुभव कीते ज्ञान नूं ही असली ते सच्चा ज्ञान समझना। धर्म पुस्तकां जां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़न नाल ज्ञान दी तस्वीर जरूर अखां सामने आउंदी है, पर असली ज्ञान अनुभव नाल ही प्राप्त होना है। जिवें साइंस दियां थ्योरियां ते किताबां दे पढ़न तों बाद प्रोफेसरां दे लैक्चर सुनन मगरों लैबोरेटरियां विच तजर्बा करके वेखण तों बिना समझ विच नहीं ना आ सकदियां थ्योरियां, अते ओ यकीन दा दर्जा हासिल नहीं कर सकदियां। इसे तरह सिमरण दी तीजी अते फुरने रहत अवस्था विच अनुभव दे नेत्रां नाल हर आत्मिक असूल जां गुरु दे वाक दी सच्चाई प्रतख वेखण तों बिना अमली ज्ञान असली तौर ते हासिल नहीं हुंदा। ज्ञान अकल नाल समझण तों इलावा हर रोज दी जिंदगी विच वर्तन अते अमल विच ल्याण तों बिना निश्चय विच नहीं आउंदा। जिवें भगत कबीर जी आखदे ने, गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनेक जुगत शास्त्र कर भांतो, ज्ञानी सोए जांकै दृढ़ सो कैत सुनत कछ जोग ना हो। कोई भी थ्यूरी उदों तक मन्नी परमन्नी सच्चाई का दर्जा हासिल नहीं कर सकती जदों तक उसनों प्रैक्टिस करके डेमोंस्ट्रेशन करके उस दी हर गल नूं चंगी तरह सोलां आने पूरा ना वेख्या जावे। मैं मन्नदा कि आत्मिक असूल छेती समझ विच नहीं आउंदे क्योंकि बहुत सूखम हुंदे ने, पर मेरा विश्वास है कि पदार्थक असूलां दी तरह आत्मिक असूल भी अटल ने ते अमल विच ल्यांदे जा सकदे ने। अजमायश दी कसौटी ते पूरे उतरदे ने। इस विचार दा यह भाव हरगिज नहीं कि जदों तक किसी आत्मिक असूल नूं प्रतख अजमा के ना वेख लईए उदों तक उस नूं गलत समझिए, यह तां बहुत भुल वाली गल होवेगी। मैनूं सितारियां दे बारे विच कोई जानकारी नहीं, पर जदों सूरज जां चंद्रमा ग्रहण जां होर सितारियां संबंधी कीती गई फोरकास्ट नूं भाव पेशीन गोई नूं वेखना तां उसनों सच समझना, ते सितारियां दे इलम दे खोजियां ते विद्वानां दा मैं पूरा सत्कार करदा। इसे तरह मैं शुरू तों आत्मिक थ्यूरियां नूं वी जदों नहीं सां समझदा तां वी धार्मिक आगूआं गुरुआं अते महापुरखां दा बड़ा सत्कार रखदा सां।
मेरी खोज दा एहा ही सब तो वड्डा भेद है कि मैं अपने गुरुदेव गुरु नानक दी कही हुई हर गल नू 16 आने सच समझना। जे मैनू शब्द नहीं आउंदी तां समझण वास्ते प्रार्थना करना ते प्रार्थना दे नतीजे नू सबर नाल उड़ीकना। समझ विच आउण तों बिना मैं अपनी खोज नहीं सां छड़दा ते ना ही कदे मैं काला पैंदा सां। धर्म दे खोजियां लई इह भावना बड़ी जरूरी है। इस मार्ग विच अखां खोल के चलना चाहिदा है पर नाल ही हथ जोड़े होए ते दिल अदब नाल भरपूर होना जरूरी है। आत्मिक खोज विच पूरब दा अदब ते पछम दी दिमागी सुतंत्रता नूं हथ विच फड़ के तुरना चाहिदा है। रब वल मूह उत्ते चुक के तुरना कदम कदम ते ठेडे मारदा है। निर्माणता इस रस्ते दा दीव है जिस दी रोशनी विच हनेरे विच डिगणों बंदा बचिया रहिंदा है। वेखो ना भगत कबीर जी आखदे ने, हर है खांड रेत मैं बिखरियो हस्ती चुनियो न जाई, कह कबीर कुल जात पात तज चीटी होए चुन खाई। ज्ञान दी पहली अवस्था। सिमरण दी तीसरी अवस्था विच मन फुरनिया ख्यालना संकल्पां विकल्पां जां अपनियां रावां ते निस्जियां दे सब बोझ नूं सिरों ला के हौला फुल होके एक थां ते अडोल खड़ा हो जांदा है ते इस अवस्था विच मन उस तालाब दी तरह निर्मल लगदा है जिस विच हवा दे खलो जाण नाल लहरां उठणियां बंद हो गईयां होण। इस अवस्था विच बैठियां सब तो पहलां अभ्यासी नूं इह समझ आउंदी है कि जो कुछ मैनूं लभणा उह मेरे अंदरों ही लभेगा, मेरी बाहर दी भटकना खत्म हो गई है। जिवें श्री गुरु रामदास जी गौड़ी की वार विच समझाउंदे ने, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बेताले। जां गुरु अमरदास जी समझाउंदे ने, मन मेरिया अंतर तेरा निधान है तू बाहर वस्त ना पाल। जां फिर गुरु रामदास माज राग विच प्रेरणा करदे ने, सब किछ घर मैं बाहर ना ही बाहर टोले सो भरम पुलाही। सुखां दी भाल विच भटकदा होया परेशान ते निराश मन हुण महसूस करन लग पैंदा है कि उस नूं सच्चा रस्ता लभ गया। इस अवस्था विच मन अपने आप विचों रस दियां ते आनंद दियां गुप्त लहरां उठदियां होईयां महसूस करदा है। मस्ती विच मस्त होया अभ्यासी वेखदा है कैसा आनंद उस नूं दुनिया विच कदे नसीब नहीं होया। उस नूं यकीन आ जांदा है कि मैनूं ठीक रस्ता मिल गया है। हुण मन दी बाहरली कोशिश ते भाल खत्म हो जांदी है ते अंदरली कोशिश ते भाल शुरू हो जांदी है। इह आत्मिक सफर दी पहली मंजिल है, पहला पड़ाव है। मन अपनियां बिरतियां जोड़ के अपने अंदर झाती मारनी सिखदा है। इस नूं भावें समझ कुछ नहीं आउंदी कि मेरे अंदर वर्त की रहा है, पर खुश बहुत हुंदा है। जिवें प्यासे बंदे नूं बड़ियां टकरां मारन मगरों रेगिस्तान विच चश्मा लब पवे तां उह पानी पी के अपनी प्यास बुझाउण विच जुट जांदा है। उस नूं इह सोच नहीं आउंदी कि चश्मा इत्थे क्यों है, इसका सोमा कित्थे होवेगा, इसका पानी किधर जा रहा है। उसकी पहली कोशिश पानी मिलन ते खुश होण अते प्यास निवृत्त करन दी हुंदी है। जिवें जिवें खुशक मूंह विच पैंदे ठंडे ते मिठे पानी दे घुट लंघण, उवें उवें उस दियां अखां खुलदियां ने, दिल खुश हुंदा है ते चेहरे ते रौनक आउंदी है। इसे तरह अभ्यासी दियां अपने अंदरों फुट फुट के निकलदे रस ते आनंद नूं माण के कई वार खुशी विच चांगरां निकल जांदियां ने।
खेड़े विच म्यौंदा नहीं सगों स्वाद माणदा है। उसनूं विश्वास आ जांदा है कि मेरी बाहरली खोज सब गलत सी अते मेरे अंदर ही सच्चाई का सोमा लुकिया होया सी। मैं हुण इसनूं लभ लिया है ते ए हुण मेरी मलकीयत है। जदों जी करे मैं दुनिया दे तपस नूं इस ठंडे चश्मे ते आके बुझा सकना। उसनूं एक आसरा मिल जांदा है अते तसल्ली अते हौसला आ जांदे ने।